हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी गमले को लटका सकते हैं, वो भी बिना कैंची चाकू लगाए हुए। ये हैंगिंग आप बहुत ही जल्दी बना सकते हो, और ज़रूरत ना हो इस हैंगिंग की तो सारा सामान खोल करके रख सकते हैं। इसमें आपके किसी भी सामान का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर सकते हैं, ताकि आपको जो है समय समय पर गार्डनिंग से रिलेटेड DIYs और गार्डनिंग टिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसे बनाने के लिए हम लोग जो हैं इस तरीके की जो पैजामे वाली डोरी होती है ये भी यूज़ कर सकते हैं, नायलॉन की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी मटेरियल लीजिएगा वो थोड़ा सा स्मूथ रहे, चिकना रहे, तो ज़्यादा अच्छी हैंगिंग बनेगी। बनाने से पहले आप जो है पहले घर के ही मटेरियल से यूज़ प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले हम जो है जो भी हमने डोरी लिया है उसके दोनों एंड्स, दोनों किनारे जो हैं उसको मिला करके उसमें एक गांठ लगा लेते हैं। सिंपल सी गांठ लगानी है, कोई भी अलग तरीके की गांठ नहीं लगानी है। देखिए, दोनों तरीके पकड़ा हमने इसको। साइज़ आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, लेंथ कितनी भी ले सकते हो, कोई भी फिक्स नहीं है ऐसा। बस देखिए, गांठ लगा दिया, गांठ थोड़ी टाइट लगाइएगा। अब जो है इसको ज़मीन में हमने इस तरीके का रख दिया है। गांठ इस साइड में है मेरी और वो साइड जो है प्लेन है वो वाला। तो अब जो है फिंगर की हेल्प से इसको जो है अंदर की तरफ हमें लाना है। ये फ्रेंड्स बहुत इजी है, देखिएगा, आप खुद देखिएगा, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस तरीके से अंदर ले आइए, देखिए पूरा शेप देखिए इसका। अब ये हार्ट शेप का काफ़ी कुछ लग रहा है। अब जो बीच में ले आए हैं इसको सिंपली बस इस तरीके से मोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, बस मोड़ देना है आपको। अब बीच की ये जो डोरी है ये क्रॉस हो गई है, क्रॉस बन गया है, तो इसमें हमें गमला रखना है। आप जब शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे तो प्लास्टिक के गमले, कोई छोटा कंटेनर रख करके शुरुआत करना, ताकि आपका गमला या जो प्लांट है उसका नुकसान ना हो। बस एक बार आपको आ जाएगा फिर तो आप बड़े से बड़ा गमला भी लटका सकते हो। तो जहाँ पर क्रॉस था वहीं उसी के ऊपर ही कंटेनर रखना है। अब जहाँ से ये गांठ लगी है इसको ले जा कर के उस डोरी के ऊपर रख देंगे। ऊपर देखिए रखा है हमने ऊपर से, और नीचे से इसको निकाल लेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल ऐसे। फिर हाथ से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हम खींचेंगे इसको। ये ध्यान रखिएगा दोनों साइड से इक्वल ही प्रेशर लगे, इक्वल मात्रा में ही खींचे डोरी। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए शेप अभी भी वो काफ़ी कुछ हार्ट शेप का बना है, और मेरी गांठ ये है। अब हमको खींचना है अभी थोड़ा सा, और इतना खींचना है कि जो हार्ट शेप का है उसमें नीचे वाली डोरी पूरी कवर कर ले। ये हम दिखाते हैं अभी आपको कैसे। ये देखिए, इसको ऐसे खींच लीजिए आप जितना खींच सकते हैं। हाँ, इसको उठा करके, इसको उठा करके आपको धीरे से आराम से इसके ऊपर ऐसे रख देना है। थोड़ा सा हम धीरे बना रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाए। अब यहाँ वाली डोरी जो है, देखिए इस डोरी को इसके ऊपर रखना है। ये डोरी लिया, इसके ऊपर रख दिया हमने, ऐसे ही इस वाली को लेकर इसके ऊपर रख दिया। अब ये मेरा इतना काम हो गया, बस अब आखिरी स्टेप है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें आपने अब नीचे वाली जो डोरी है उसको पकड़ करके आपको धीरे से प्रेशर देते हुए खींचना है। अपनी फिंगर्स उंगली की मदद से करिएगा, चारों तरफ से इक्वल मात्रा में खींचिएगा ऐसे, और इस स्टेज में डोरी नीचे रहे। जब डोरी आपकी पकड़ने लग जाए डिब्बे को तब ऊपर करिएगा इस तरीके से, ये देखिए। और अगर आपको लग रहा हो थोड़ा डिसबैलेंसिंग है तो आप हाथ से भी ऐसे बराबर कर सकते हैं। ये रेडी हो गई है, इसको आप कहीं भी लटका सकते हैं। अब
हम चलिए अपनी साड़ी तैयार कर लें, फिर आपको लटका करके दिखाते हैं। ये हमारी देखिए सब लटक गई हैं यहाँ पर। इसको लटकाने के लिए आप जो है एस शेप का जो हुक आता है उसको भी ले सकते हैं, या जो मेरे पर्दे वाले जो हुक होते हैं उन्हीं को मैं खोल करके इसमें लगा देती हूँ। जब हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो से हम इसको आराम से खोल लेते हैं और रख देते हैं, गमले कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत जल्दी आसानी से क्विक मेथड है अपनी हैंगिंग बनाने का। आपने ये हैंगिंग मेरी विंडो गार्डन्स में भी देखी होंगी, तभी से कई व्यूअर्स इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।